देखिए यहाँ पर तो मेरे सामने एक इंडक्शन कुकटॉप देख पा रहे हो आप लोग। तो ये जो इंडक्शन कुकटॉप है, जो बजाज की जो स्प्लेंडेड मॉडल की इंडक्शन कुकटॉप है, तो देखिए इस इंडक्शन कुकटॉप में सप्लाई देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सप्लाई देने के बाद इंडक्शन क्या कर रहा है, देखिए तो हमारा इंडक्शन से बाजार की साउंड नहीं आ रहा, बाकायदा यहाँ पर जो डिस्प्ले वो भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप है वो हमारा डेड कंडीशन में है। तो अब मैंने इसको ओपन किया, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पर इसका जो हालत है यहाँ पर देखिए वो बिगड़ चुका है। देखिए तो देखिए कस्टमर जब रिपेयर करने के लिए लेके आता है तो देखिए यहाँ पर इसमें दो ही यहाँ पे मेथड होता है। देखिए मतलब ज़्यादा पैसा लगता है तो कस्टमर नहीं रिपेयर करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सी दिक्कत आ गए तो मैं आप लोगों को इसको विस्तार से मैं बताऊँगा। देखिए इस पर बकायदा यहाँ पर जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगा हुआ है इस पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विड गिर चुका है। तो हम इसको लिक्विड को साफ करके इसको मतलब 100-150 रुपया से रह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो इसका जो जो मेन कोयल है, हीटिंग कोयल है, वो हमारा जल गया। इसका जो प्राइस है वो हमारा 400 रुपये तक आ जाएगा। तो इसमें कितना हुआ, 500। और इसमें जो IGBT है वो भी शॉर्ट हो चुका है। और इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो 5 UF की जो कैपेसिटर लगा वो भी हमारा ब्लास्ट हो चुका है। मतलब इसमें कुल मिला के हमारा 1000 रुपये तक हमारा इसमें खर्चा आ गया। तो कस्टमर के कहना है तो इस पर मतलब थोड़ा सा मिला के हम इसको नया ले सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा कस्टमर वो इसको रिपेयर करने के लिए मना कर रहा है। तो आपको ऐसे जानकारी दे रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा आ रहा है तो इसके लिए मेरा जो कस्टमर है वो रिपेयर करने से मना कर रहा है। मतलब इसमें IGBT कैपेसिटर, जो मेन हीटिंग कोयल है और डिस्प्ले कंट्रोल में तो लिक्विड दे रहा, तो ये हमारा काम कर जाएगा। इसमें 3 कंपोनेंट हमारा जो ख़राब है तो इसके लिए तो आप देख सकते हैं, इसको आप चाहते हैं तो रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ख़र्चा आपको बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा।